हेलो। हेलो। हाँ हाँ आ जी, रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही बताइए बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, हम CPM जो कैलकुलेट करते हैं, तो हाँ जब हम शिपिंग लाइन के थ्रू बेचते हैं तो उसकी कैलकुलेशन अलग होती है और एयरवे बिल के अकॉर्डिंग अलग होती है, वो ऐसा क्यों होता है? देखिए, शिपिंग लाइन में बेचते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 5,000 से, उसका हाँ क्या कंसेप्ट है? CBM जो होता है वो उसमें शिपिंग लाइन में जब आपकी शिपमेंट LCL मोड में जा रही है, ठीक है, तो उसमें हाँ आपका एक छोटा बॉक्स होता है, पूरा कंटेनर बुक नहीं करते, हाँ हाँ वो तो तो ठीक वो उस उनका तरीका अलग होता है, क्योंकि उनका स्पेस एक स्पेसिफिक कंटेनर है और एयरलाइन में क्या होती है फ्लाइट है, तो उनका CBM कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, क्योंकि इस पर स्पेस को देखते हुए इन्होंने बना रखे हैं दोनों ने, एयर का अलग है और सी का अलग है, क्योंकि वो उसको देख के बताते हैं, क्योंकि उनके पास एक मैंने कंटेनर। देखा है जो CBM, नहीं मैंने CBM का फॉर्मूला शिपिंग लाइन का देखा, तो वो देखा लेंथ वीड और वो हाइट होती है और डिवाइड बाय 5,000, हाँ और अगर एयरवे बिल का देखो तो लेंथ वीड हाइट और डिवाइड बाय 6,000, ऐसा भी होता है, मैं वही तो ये बता रहा देखा हूँ। मैं। हाँ हाँ देखो, यहाँ पे चीज ये देखने की है, जैसे आप किसी सामान को एक ऑटो करके ले जा रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो उसका वेट का कैलकुलेट वो अलग टाइप से करेंगे, और आप उसी सामान को ट्रेन के थ्रू ले जा रहे हो तो उसका वेट कैलकुलेट करने का अलग फॉर्मूला होगा। ओके हाँ हाँ, क्योंकि आप समझ गए ना मेरा मतलब कहने का क्या है। हाँ, वो समझ रहा हूँ मैं तुम्हें। ये तरीका है, ये और इसलिए। जैसे CBM जो हम लेते हैं, लेकिन कोई पायलट जा रहा है, तुम एक्चुअल जो पायलट का पूरा कुछ वो लेंगे या फिर प्रोडक्ट का लेते हैं पूरे का CBM जो कैलकुलेशन होगा? मान लो कोई टेबल में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई टेबल है तो उसमें मैं बाहर से पैकिंग करूंगा तो उसके पायलट भी आएगा, वुडन बॉक्स जो आता है तो CBM का वो वुडन मतलब, बॉक्स को लगा के दूंगा CBM। आपने CBM का फॉर्मूला देखा है क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट हाँ इंटू वेट, मतलब कि आपकी हाँ पैकिंग के बाद जो बॉक्स बन रहा है अच्छा ओके उसकी लेंथ हाइट और वेट विड्थ उस पे काम उस पे करता है, उस पे कैलकुलेट होता है, मतलब कि आपका जो एक्चुअल गुड है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, आपका बॉक्स की साइज क्या है, उनको समझ रहे हो। बॉक्स देखना है या पूरा पैकिंग? हाँ जी, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे पूरे एक तो होता है पैकेज। जैसे वुडन बॉक्स जो आता है पायलट जो बनता है वो एक्सपोर्ट में, एक तो वो मेजरमेंट होता है या अंदर का जो प्रोडक्ट होता है वो CBM में देना पड़ेगा नहीं, अगर? वो उसका कोई मोरो मतलब नहीं, अंदर क्या पैक है वो आपके हाइट साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है, उस पर वेट निकालते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे आप एक रुई रुई का बहुत बड़ा पैकेट होता है तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसका वेट बहुत कम होता है, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि वो चीज कितना स्पेस हाँ ले रही है, तो इस पे कितना ले रहा है? मुझे ये इंपोर्टेंस है यहाँ पे। सीपी में कैलकुलेशन एक बैग पे करूंगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्मूला भी होती है तो थोड़ा कंफ्यूज आपको रहता हूँ आपको मैं। कुछ नहीं करना है, शिपिंग लाइन खुद करती है, एयरलाइन खुद करती है, आपको बस आप उनको गुड्स हैंड ओवर करने हैं, ठीक है, उसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं फिर मैं अगर शिपिंग इंस्ट्रक्शन देना होता है ना, कस्टमर को एजेंट को या किसी को भी, मैं ये भेज रहा हूँ मैं CBM होगा, कुछ ऐसा कुछ अच्छा, होता ही आप नहीं। हाँ पैकिंग पैकिंग लिस्ट की बात कर रहे हो। पैकिंग लिस्ट में मैं क्या क्या बताऊंगा? जिस जिस मोड से आप एक्सपोर्ट करो वो बता देना, एयर से करो तो एयर का फॉर्मूला लगा देना, सी से करो तो सी का फॉर्मूला लगा देना, ओके। और जो भी आप देते हो वहां पे एक्चुअल में जो वेट बाय वेट वेट होगा, अगर उसमें डिफरेंस आता है तो फिर वो फाइन करती है, हाँ वेट डिफरेंस चार्जेस लेती है आपसे। हाँ, हाँ वो डिफरेंट ले लेगा ना, वो चार्ज लेगा। मैं यही पूछा, मान लो मैं कुछ और भेजू, मैंने कुछ और भेजा, मान लो मेरे कर्मचारी को बाद में पता लगा रेट बढ़ गया तो वो थोड़ा लॉस हो जाएगा ना, नहीं, रेट ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं परफॉर्म आइंग वेट। में हाँ, भेजता हूँ कुछ भी, मेरा खर्चा आएगा उसके बाद बढ़ गया ज्यादा तो वो थोड़ी मानेगा, ये कह रहा था नहीं, मैं। वहां की बात नहीं चल रही, यहाँ पे सप्लायर अप्लायर की बात नहीं चल रही है, आपके इंडिया इंडिया में जो सी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, हाँ शिपिंग लाइन, जो कैरियर है आपका, वो हाँ कैरियर की बात कर रहा हूँ मैं, कि वहां पे। सर, मैं जैसे पहले करूंगा प्री प्लान भी तो करूंगा मैं भाई, मैं मेरे को वो भेजूंगा परफॉर्मा इनवाइस, तो मैं प्री प्लान करके भेजूंगा ना, ये मेरा प्रोडक्ट है इतने आप पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा मेरा, इतना ये लगेगा, बाद में बढ़ गया वो बस बोल रहा हूँ।
हाँ बढ़ गया तो फिर तो आप उससे एग्रीमेंट करो ना कि ये जो रेट है मेरा ये इतने महीने के हैं, ओके ठीक है, 3 महीने के रेट मेरे ये रहेंगे, 3 महीने बाद मेरे रेट चेंज हो जाएंगे, पहले ऐसा एग्रीमेंट करना होगा आपको, अच्छा ठीक है। शिपिंग लाइन से क्या करते हैं हम, रेट लेते हैं तो वो सिर्फ 1 महीने का रेट देती है, ठीक है, नेक्स्ट महीने दूसरे रेट देती है, इस प्रकार से। और फिर कुछ बताइए और अभी।